प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ब्लू वेरीफाइड बैच आज सुबह हटा लिया था। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने दी थी। हालांकि ब्लू टिक पर मचे बवाल के बाद ट्विटर ने फिर से उनके अकाउंट का ब्लू टिक वापस कर दिया है, जिसके बाद अकाउंट फिर से वेरीफाई हो गया है। बता दें कि ट्विटर में जिन लोगों का अकाउंट वेरीफाइड होता है उनके अकाउंट नाम के बाद एक ब्लू टिक नजर आता है। ये ब्लू टिक इस बात का प्रमाण होता है कि ये अकाउंट वेरीफाइड है। इससे फेक अकाउंट और असली अकाउंट में अंतर करना आसान हो जाता है। खबरों की माने तो ट्विटर के ऐसा करने के बाद सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। हालांकि ब्लू टिक हटने पर ट्विटर इंडिया का कहना था कि लंबे वक्त से अकाउंट लॉगिन नहीं करने के कारण ऐसा हुआ था। वही पिछले महीने ही सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कहा था कि जो भी लोग अपना अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं वे वेरिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़ सकते हैं। जो अकाउंट काफी ज्यादा समय से निष्क्रिय हैं उनका ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। जिन अकाउंट की जानकारी अधूरी है उनका भी ब्लू टिक हटाया जाएगा। बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर 1.3 मिलियन यानी 13 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने आखिरी ट्वीट 23 जुलाई 2020 को किया था। वहीं ट्विटर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट अगस्त 2013 से है। नायडू उपराष्ट्रपति बनने से पहले भाजपा के बड़े प्रभावी नेता के रूप में जाने जाते थे। वहीं मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रहे। पक्ष विपक्ष दोनों उनका बड़ा आदर करते हैं। वहीं पिछले दिनों केंद्र सरकार की निजता को लेकर नई नीतियों के उल्लंघन का ट्विटर पर आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कहा है कि सभी सोशल साइट्स सरकार के फैसले को मानने के लिए तैयार है, केवल ट्विटर इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ दिनों पहले स्पष्ट कहा था कि अगर भारत में काम करना है तो सरकार के फैसले को मानना ही होगा। वहीं ट्विटर ने पिछले महीने ही आम लोगों के लिए भी अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके तहत कोई भी अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकता है और ब्लू टिक प्राप्त कर सकता है। इससे पहले कंपनी ने 2017 में ऐसी योजना बनाई थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे उस समय सस्पेंड कर दिया गया था। अब फिर से ये फीचर आने वाले समय में लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।